नमस्कार फ्रेंड, सेवा में श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी 15 जनवरी 2014 को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश के सर्वांगीण विकास में ईपीएस 95 पेंशनरों ने 24 घंटे 7 दिन 12 महीने क्लॉकवाइज खतरनाक वातावरण में खून पसीना बहाकर अपनी सेवाएं देने वालों को सिर्फ 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन देना उनके गांवों पर नमक छिड़कने जैसा है। अगर केंद्र में हमारी सरकार आती है तो 90 दिन के अंदर न्यूनतम पेंशन 1,000 से 3,000 रुपये कर देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मई 2014 से केंद्र में अति संवेदनशील, पारदर्शी, दूरदर्शी, कर्तव्य परायण, जन कल्याणकारी सरकार कार्यरत है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास बिना किसी भेदभाव, सबको न्याय की भावना लेकर आई। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी मांग है पेंशन योजना में जमा पूंजी ब्याज सहित निकालने की स्वीकृति या पेंशन न्यूनतम 7,500 प्लस डीए और चिकित्सा सुविधा। हम अपनी जमा पूंजी ब्याज सहित मांग रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, दिनांक 4/10/2016 को सर्वोच्च न्यायालय ने पेंशनरों के पक्ष में आदेश दिया, जिसके अनुसार सभी शासकीय औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दिनांक 23/3/2017 के परिपत्र भी जारी किया, जिसकी घोषणा माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा लोकतंत्र के सबसे बड़े न्यायालय संसद में की। परंतु ईपीएफओ ने दिनांक 31 मई 2017 को एक अंतरिम एडवाइजरी जारी कर उच्च दर पेंशन पर रोक लगा दी और ईपीएफओ ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालना जारी स्वयं के आदेश को ही एविडेंस में रख दिया। जी हां फ्रेंड्स, सौभाग्य से दिनांक 4/3/2020 एवं 5/8/2021 को माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अशोक रावत जी और एनएसी प्रतिनिधि मंडल की सकारात्मक वार्तालाप संपन्न होने के बाद आप द्वारा शीघ्र अति शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2-3-5 जजों की बैठक और तारीख पर तारीख मिल रही है और लोकतंत्र के सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार द्वारा समिति पर समिति का गठन। जी फ्रेंड्स, 2008 में एक्सपर्ट समिति, 2013 में विद्वान कोश्यारी समिति, 2018 में हाई पावर मॉनिटरिंग समिति, 2021 में पेंशन रिफॉर्म समिति। जी हाँ फ्रेंड्स, लियास गवाह है कि कलिंग युद्ध भीम भूमि का वास्तविक चित्रण में लोगों की पीड़ा वेदना चित्कार सुनकर सम्राट सिकंदर महान का क्षण मात्र से हृदय परिवर्तन हो गया, लेकिन पेंशनर अनवरत 3 साल से क्रमिक अनशन कर सरकार का ध्यान आकर्षित कर अपनी पीड़ा वेदना को आप तक पहुंचा रहे हैं। जब फ्रेंड्स, लेकिन 2014 से 2021 तक 7 सालों में सरकार कुंभकर्ण रूपी नींद से सो रही है, जिस सरकार को पेंशनरों के जीवन की परवाह नहीं। हम 67 लाख ईपीएस 95 पेंशनर, 6.5 करोड़ वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी और उनके परिवारजन, लगभग 28 करोड़ मतदाता वोट की चोट अवश्य करेंगे, क्योंकि 2 बार यूपीए सरकार ने और 1 बार एनडीए सरकार ने हमारे पेंशनर साथी जो दुनिया से विदा हो गए उनकी जमा पूंजी को डेड मनी घोषित कर निकाल लिया। जहाँ फ्रेंड्स, भविष्य निधि विभाग एवं श्रम मंत्रालय की गिद्ध दृष्टि हमारे मरने के बाद हमारी मूल पूंजी को हड़पने पर लगी हुई है। भवद्य नरेंद्र सिंह, संयुक्त अध्यक्ष। तो फ्रेंड, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब।